Hey, hello and what's up guys, welcome to Techno Tonic and welcome to new gameplay series. Actually आज मैं कोई gameplay नहीं करने वाला हूँ, आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा आप लोग कैसे बेलून बना सकते हो माइनक्राफ्ट के अंदर। और मैं एक चीज़ पहले ही बताना चाहता हूँ, ये कोई मोड वगैरह नहीं है, मोड वगैरह यूज़ करके मैं बेलून नहीं बनाया हूँ। ये जो है ये सिर्फ एक एडिशन है जो माइनक्राफ्ट की तरफ से आता है, आप लोगों को शायद पता नहीं होगा इसीलिए आप यूज़ नहीं करते हो, कभी यूज़ नहीं करा। तो गाइस यही मैं आज आप लोगों को दिखाऊंगा इस एडिशन के एडुकेशन जो एडिशन है, एडुकेशन एडिशन के अंदर आप लोग कैसे बेलून बना सकते हो। सिर्फ बेलून ही नहीं, आप बहुत कुछ बना सकते हो, स्पार्कलर, फूल जरिया, फिर अंडर वाटर TNT, अंडर वाटर लैम्प, ऐसे बहुत सारे चीज़ आप लोग बना सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। तो गाइस अभी जो वीडियो है इसके अंदर सिर्फ मैं आप लोगों को बेलून बना के दिखाऊंगा। तो सिंपली इसके लिए आप लोगों को एक नया वर्ल्ड क्रिएट करना पड़ेगा, जो आप नॉर्मल वर्ल्ड क्रिएट करते हो उससे थोड़ा अलग होगा ये वर्ल्ड। इसको आप लोगों को क्रिएटिव में क्रिएट करना पड़ेगा, फिर आप लोगों को यहाँ पर आना है, नीचे आप लोगों को एक ऑप्शन मिल जाएगा एक्सपेरिमेंट के अंदर, देख सकते हो यहाँ पर एक्सपेरिमेंट्स। यहाँ पर आप लोगों को चार ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, ये जो चार ऑप्शन है इसको आप लोगों को ऑन कर देना पड़ेगा। फिर जो सबसे इम्पोर्टेंट सेटिंग्स है वो है एडुकेशन एडिशन, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो एडुकेशन एडिशन, इसको सिंपली ऑन कर देना है। ऑन कर देने के बाद फिर आप लोगों को आप जैसे खोलते हो नया वर्ल्ड, जैसे खोलते हो सर्वाइवल ऐसे ही खुलना है, बस आप लोगों को जो एडुकेशन एडिशन है उसको ऑन कर देना है, फिर आपका जो वर्ल्ड है वो तैयार हो जाएगा बैलून बनाने के लिए। तो गाइज अगर आप जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसको भी देखना चाहते हो तो गाइज सब्सक्राइब कर लो हमारा चैनल, क्योंकि नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि उस वाले वीडियो में मैं दिखाऊंगा आप लोग कैसे फूल जरिया बना सकते हो माइनक्राफ्ट की एडुकेशन एडिशन के अंदर। तो गाइज जोर से सब्सक्राइब करना बनता है गाइज इस वीडियो के लिए, लाइक तो बनता है तो लाइक कर दो गाइज अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो। तो अभी वीडियो स्टार्ट हो चुका है, सॉरी वीडियो नहीं, अभी हमारा जो वर्ल्ड है वो यहाँ पर क्रिएट हो चुका है और मैं आ चुका हूँ वर्ल्ड पे। तो गाइज ये जो एडुकेशन एडिशन है इसके अंदर आप लोगों को चार चीज़ नया देखने को मिल जाएगा। तो गाइज यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये जो चार टूल्स है ये आप लोगों को नया मिल जाएगा देखने को, जो ये जो एडुकेशन एडिशन है इसके अंदर। तो सिंपली ये जो चार चीज़ है ये मैं ले लेता हूँ और यही आप लोगों को देखने को मिलेगा, और आप लोगों को बहुत सारे एलिमेंट जो 118 एलिमेंट है वो आप लोगों को भी मिल जाएगा। फिर यहाँ से आप लोग देख सकते हो ये चार जो है ये केमिस्ट्री लैब के लिए है। तो एडुकेशन आप लोग देख सकते हो ये पहला जो है इसके अंदर एक जो माइक्रोस्कोप है इसके एक तस्वीर लगी हुई है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो यहाँ पर आप लोग एलिमेंट बना सकते हो, जैसे कि इलेक्ट्रॉन एक और प्रोटॉन जो है वो एक मैं लेता हूँ तो यहाँ पर हाइड्रोजन क्रिएट हो जाता है, देख सकते हो ये जो हाइड्रोजन है ये यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। तो अगर आप एलिमेंट ये जो एलिमेंट है ये क्रिएट करना चाहते हो तो गाइज आपको एलिमेंट कंस्ट्रक्टर की ज़रूरत पड़ेगा जो ये वाला है। फिर आता है यहाँ पर एलिमेंट कंपाउंडर, तो इसके अंदर आप दो अलग अलग चीज़ों को कंपाउंड कर सकते हो एक साथ ही कर सकते हो, जैसे कि अगर हाइड्रोजन और क्लोरीन एक साथ रखते हो तो हाइड्रोक्लोरिक यहाँ पर मुझे मिल जाएगा। तो ऐसे आप लोग यहाँ पर कर सकते हो। फिर आता है ये जो है इसके अंदर आप जो मटेरियल रिड्यूसर है इसके अंदर अगर मैं मार्ट जो डार्ट है डार्ट अगर मैं इसको अंदर देता हूँ तो देख सकते हो ये यहाँ पर रिड्यूस हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो यहाँ पर बहुत सारे आप लोगों को एलिमेंट देखने को मिल जाएगा अगर आप मार्ट को मार्ट मतलब डार्ट अगर आप डार्ट को इससे रिड्यूस करोगे तो। तो फिर यहाँ पर आप लोगों को ये जो इन्वेंटरी है ये मैं खाली करके दिखाता हूँ, फिर मैं आप लोगों को मूल मुद्दे पे आऊँगा क्या क्या चीज़ आप लोगों को चाहिए। तो ऐसे मैं आप ये क्लियर कर लिया हूँ। अब आप लोगों को चाहिए मेन चीज़ जो चाहिए वो है हाइड्रोजन, फिर आप लोगों को चाहिए कार्बन। तो यहाँ पर मैं हाइड्रोजन और कार्बन ले लेता हूँ सबसे पहले। तो यहाँ पर मैं ले लिया हूँ कार्बन और हाइड्रोजन और मुझे इसे कंपाउंडर के अंदर कंपाउंड करना है। तो इसके पहले मुझे और भी दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगा, जो जिसके अंदर एक है हीलियम, जो बैलून के अंदर जो हवा भरी होती है उसके अंदर मुझे हीलियम डालना है, बैलून के अंदर मुझे हीलियम डालना है उसको फुलाने के लिए। तो यहाँ पर से मुझे हीलियम ले लेना है, सबसे पहले मुझे यहाँ पर ढूंढना होगा हीलियम कहाँ पर है।
यहाँ पर मैंने ढूंढ लिया हूँ, और यह देख सकते हो हीलियम आ चुका है। तो हीलियम आप मुझे और दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगा। एक है यहाँ पर, सबसे पहले मैं खाली कर लेता हूँ मेरा जो इन्वेंटरी है। तो आप मुझे ज़रूरत पड़ेगा डाई की ज़रूरत पड़ेगा, और मुझे यहाँ से लीड की ज़रूरत पड़ेगा। तो लीड यहाँ से मैं ले लेता हूँ, फिर यहाँ से मुझे डाई चाहिए होगा। जो भी डाई अगर आप रखना चाहते हो, जो भी डाई आपको पसंद है वो भी आप यूज़ कर सकते हो, आपकी पसंदीदा हो। क्या आप जो भी कलर का बेलून बनाना चाहते हो वो सारे के सारे आप लोग बना सकते हो। यहाँ पर मैं दो कलर ले लिया हूँ, एक है पर्पल और दूसरा है यहाँ पर ब्लू टाइप का, लाइट ब्लू। तो वो वाला पहला वाला पर्पल नहीं है, वो है मैजेंटा, आप लोग देख सकते हो मैजेंटा। तो ये और लाइट ब्लू से मैं बनाऊंगा। तो मुझे सबसे पहले जाना होगा यहाँ पर कंपाउंडर के अंदर। कंपाउंडर के अंदर से मुझे लैटेक्स बनाना पड़ेगा। तो लैटेक्स बनाने के लिए मुझे चाहिए होगा हाइड्रोजन और कार्बन, यहाँ पर जो मैं ले ले लिया था इसको चाहिए होगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मैंने ऐसे लैटेक्स बना लिया हूँ। तो अब मुझे ज़रूरत पड़ेगा क्राफ्टिंग टेबल की। तो गाइज मैं मेरा इन्वेंटरी खा और यहाँ पर जो भी चीज़ मुझे चाहिए होगा वो भी एक साथ ले लिया हूँ। अब मुझे चाहिए होगा क्राफ्टिंग टेबल, तो यहाँ पर मैं प्लेस कर दिया हूँ क्राफ्टिंग टेबल। तो सिंपली इसको ओपन कर लेते हैं, फिर ये जो लैटेक्स है इस लैटेक्स को चार पांच यहाँ पर आपको ऐसे प्लेस करना है। आप लोग देख सकते हो ऐसे आप लोगों को रखना है। तो फिर से मैं आप लोग को दिखा देता हूँ, ये एक ब्लॉक यहाँ से हट गया है। तो देख सकते हो यहाँ पर सबसे पहले लैटेक्स सिलेक्ट करना है, और ऐसे आप लोग को चार पांच देना है। तो ये जो नीचे वाला है, नीचे वाला यहाँ पर आप लोगों को लीड लगाना है। देख सकते हो आप लोग यहाँ पर आप लोगों को लीड देना है, फिर यहाँ से जो बीच में है वो हीलियम देना है, फिर ऊपर आप लोगों को देना है डाई। तो आप लोगों का जो बेलून है वो यहाँ पर क्लियर हो चुका है, हो जाएगा। तो देख सकते हो यहाँ पर मैं दो यहाँ पर बेलून क्रिएट कर लिया हूँ, एक है पिंक और दूसरा है ब्लू, लाइट ब्लू। तो जो भी कलर आप लोगों को पसंद है वो आप लोग यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पर मुझे आप चाहिए होगा फेंस, आप देख सकते हो यहाँ पर फेंस के अंदर बेलून में अटैच कर दिया हो, और गाइस कितना सुंदर लग रहा है, आप लोग देखो गाइस। तो मुझे कमेंट करके बताओ गाइस कैसा लगा आज का वीडियो, और मैं इसके ऊपर देख सकते हो ये एक ट्रिक्स देख सकते, ट्रिक्स नहीं ये एक देख सकते हो कितना फनी है ये। अगर आप कोई भी जानवर के अंदर, अगर आप जानवर के ऊपर अगर आप बेलून लगा देते हो तो ये उड़ जाएगा, देख सकते हो ये उड़ना स्टार्ट हो जाएगा। अगर मैं इसको छोटा देता हूँ तो ये नीचे गिर जाएगा और बेलून ऊपर में आसमान में उड़ जाएगा। तो देख सकते हो कितना फ़नी है ये। तो मुझे कमेंट करके बताना कैसे लगे वीडियो, अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।